उमरिया वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें विभाग की टीम ने चार ऐसे शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पिछले दिनों तेंदुए का शिकार किया था। वन विभाग की टीम ने पकड़े गए आरोपियों से तेंदुए के दांत, नाखून, मूंछ, जीआई तार आदि सामान बरामद किया है। दरअसल पिछले महीने के 7 नवम्बर को पाली वन परिक्षेत्र के परबसपुर पीढ़ में तेंदुए का शव पाया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग के DFO RS सिकरवार मौके पर पहुंचकर शव का परीक्षण कर बताया था कि तेंदुए का शिकार बिजली लगाकर किया गया है और तेंदुए के पंजे एवं मूंछ और कुछ अवशेष शव पर नहीं थे। बीते एक महीने से पाली वन परिक्षेत्र की टीम निरंतर शिकारियों की तलाश में जुटी थी, जिसके तहत वन अमले को कामयाबी मिली और उक्त मामले में वन अमले ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से तेंदुए के दांत, नाखून, मूंछ, खूंटी, GI तार, कुल्हाड़ी और सब बल जब्त की गई है। जो बरबसपुर के तालाब में तेंदुए का शव मिला था, उसमें अभी तक पकड़े गए आरोपी चार हैं। ये आरोपी बहादुर बेगा सलैया, कैलाश बेगा सलैया, श्याम लाल उर्फ बाबू, ये कचौरा मोहल्ला पाली और धनीराम बेगा सलैया। इनमें से श्याम बाबू के पास से नाखून नाली में गाड़ के रखे जाने का जब्ती हुई है। तार खूंटी जो हिलन नदी के दोनों तरफ रखे हुए थे, सलैया की तरफ तार थे और डोड़गावा की तरफ खूंटी रखी हुई थी। खूंटी जो है लेंटाना और ये क्या बोलते हैं आपकी निरगुंडी से बनी हुई है। खूंटी में तार बिछा के जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो खूंटी में जलने का निशान भी है, इसलिए खूंटी भी जब्त की। खूंटी की मात्राएं आपने 2 बोरी में देखी हुई है। अभी इनको जब गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ करने के बाद इनको थाने भेजेंगे, पुलिस रिमांड लेकर फर्दर जांच करेंगे। सर और भी आरोपी, ये बयान के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि और आरोपी नहीं होंगे, हो सकते हैं क्योंकि शिकार कहीं और हुआ है और उसकी डेड बॉडी कहीं और मिली है, तो इसका मतलब ये है कि फेंकने में सहायक जरूर होंगे लोग, तो उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास निरंतर जारी रहेंगे और जहाँ तक संभव है हम उन तक पहुँच भी जाएंगे। सर पिछले महीने भी एक जंगली सूअर और जंगली बिल्ली मिली थी, आए दिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से शिकार का मामला सामने आ रहा है, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे ताकि कंटिन्यूस लगातार गश्ती करना, लोगों की सूचनाओं पर विश्वास करके उनका वेरिफिकेशन करना और जाके अगर इस टाइप के कोई प्रकरण होते हैं उसको अंधेरे में न छोड़ के लगातार कार्रवाई के लिए लगा लेना। जैसे इसी प्रकरण में है, 1 महीना बाद ये हमको सफलता मिली है, लेकिन सफलता मिली है, लगातार प्रयासों से ही ये चीज़ संभव है, जन सहयोग से संभव है, आप लोगों के सहयोग से संभव है और हमारे कर्तव्य के पालन से संभव है। बहरहाल तेंदुए का शिकार करने वाले आरोपियों को पकड़ने में पुलिस का भी अहम योगदान है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से वन विभाग की टीम सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है, जिससे और भी घटनाओं के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। उमरिया से सतीश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।